तुम सुंदर शैतान, उन दांतों को देखो। ओह, और ये पूछ भगवान की कृपा से सच में एकदम मस्त है, एकदम मस्त। बिल्ली के लिए कोई काम नहीं, मैं सच में महल का राजा हूँ, कम से कम तब तक जब तक लखा नहीं है यहाँ। ऐसा लगता है जैसे लखा को कोई मदद चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वो संभाल लेगा, मुझे पता है। दरवाजा खोल लखा। तुम्हें पता है दोस्तों, तुम बिना इजाजत किसी के घर में नहीं घुस सकते। रुको, ट्रेस पासिंग, ये तो गैर कानूनी है। इस बार बच गया लखा, चलो वापस चलते हैं। आखिरकार कुछ नहीं है, अगर मुझे पैसे जल्दी से नहीं मिले तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। अगर लखा अपने लिए खाना खरीद लेगा तो वो मुझे कैसे खिलाएगा, हम दोनों भूखे हैं। मैं समझ गया, मेरा दिमाग हम दोनों को बचा लेगा। पागल बिल्ले, ना समझ, मेरे पास बस एक नारियल है, मैं इस चीज से क्या बना सकता हूँ, मुझे कुछ सोचना ही होगा। समझ गया। उन्हें पता नहीं चलेगा उन्हें कैसे लगी। वो एकदम पागल हो गया है, कम से कम उसके पास एक चालाक बिल्ली तो है। म्याऊ म्याऊ। वाह, ये तो बहुत बड़ा है, कोई भालू भी नहीं आसपास। म्याऊ म्याऊ। बढ़िया, और कोई जानवर भी नहीं है यहाँ पर। लखा के बच्चे, तुम कर क्या रहे हो? मैं तो बस काम कर रहा हूँ। ये दोनों भालू मेरे जाल में फंस गए। मेरे पास और मत आना, तुम देखो बेचारा। हमने तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी है कि तुम फेंक नहीं काटोगे। चलो लखा, वापस लड़ो। और नजदीक आ जाओ। अरे यार, वो क्या था? बिल्ले। यार, आज बिल्ले कहीं क्या? आप भाग के जाएगा कहाँ? तकला लखा, ऐसे भाग क्यों गया? ऐसा लगता है कि लखा हमें नारियल से मारने की सोच रहा था। और बिल्ले ने हमें बचाया। हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी योजना बर्बाद कर दी। मुझे ये पता है, मैं डब्लू पर अचानक हमला करके फिर बबलू के मुंह पर पंजा मारने वाला था, पर फिर मैं नीचे गिर गया। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया, देख मुझे तेरी मदद चाहिए। म्याऊ। काम पर जाना चाहिए। म्याऊ। मेरा पीछा करना बंद कर, चला जा ऐसे। म्याऊ 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 म्याऊ। मुझे उन भालुओं को हराने का कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। लखा, मेरी लकड़ियां कहाँ हैं? हेलो सर, वो लकड़ियां पहले से ही चढ़ा दी गई हैं, मैं बस उन्हें भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। बस वही जाना चाहिए लखा, वरना तू अपनी पगार को बाय बोलने के लिए तैयार रहना। ये हरी बहुत आवाज करती है, वो भालू सुन लेंगे। ठीक है। आ,
भाई, भालू मुझसे डर गए होंगे। अब जब मैंने उन भालुओं के कान पकड़ लिए हैं, मुझे लगता है मेरा लखा की मदद करने का प्लान काम कर गया है। मुझे पता है कि मैं कितना दिमाग वाला हूँ, है ना? ये डब्लू उठो, लखा फिर से वही कर रहा है। क्या? लखा के बच्चे, हमें तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा पेड़ नहीं काटना है? हाँ भाई, उसने मेरे हाथ को मजबूर किया उसके पीछे आने के लिए। चलो मेरे साथ। मैं सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उसके पास एक लकड़ी है। आप क्यों भाग रहे हो? पास आओ ना। मुझे लगता है हमारे पंजे ज्यादा बड़े हैं। पंजे ज्यादा बड़े हैं। ये केले का छिलका किसने फेंका? ये बस मेरा बुरा नसीब है जो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ओ यार, लखा बहुत खतरे में है। दूर रहो, मेरी बात मानो ना। थोड़ा और पास आ जाओ। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। क्या? ये देखो, मैं लकड़ी भी नहीं काट रहा हूँ। जैसे ही वो भालू पास आएंगे, मैं जान नहीं दूंगा। रुको। हम लोग बातचीत से भी तो हल निकाल सकते हैं। ओ यार, मुझे माफ कर दो। टक्का लगाओ, किस चीज ने गिरा दिया? मुझे नहीं पता। आखिर हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से ट्रक चली गई हो। बेचारा लखा, मुझे ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं सब ठीक कर सकूं। मैं समझ गया, मैं उन भालुओं को यहाँ चारा बनाऊंगा। जब भी वो पेड़ गिरेगा, वो समय भालुओं का अंत होगा। बबलू, डब्लू, यहाँ देखो, मैं तुमसे ज्यादा दिमाग वाला हूँ। आओ मुझे पकड़ो। पर क्यों? क्या हम कुत्ते लगते हैं? हाँ? चलो छोटे। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? क्या लगता है इस बारे में? ये मेरी पसंदीदा मछली है। मैं अकेला छोड़ दो, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लहू क्या लगता है? तुम्हारे मुंह पे काम कर रहे हैं। पकड़े लक्का। लक्का के बच्चे, वापस आ। म्याऊ धन्यवाद बिल्ले, तुम सबसे।